से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए, ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सुनेंगे। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14-15-10 के अंदर ही। नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा लेते हैं। तो क्या वाकई में मोदी सरकार सरप्राइज जो देश को देने वाली है वो महिला आरक्षण विधेयक, और क्या वाकई में सरकार महिला आरक्षण विधेयक पेश करेगी? वैसे राज्यसभा में आंकड़े को देखें और समझें तो राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर दिया गया था, 2010 में, लेकिन तब से लेकर अब तक ये अधर में लटका है। और खबर यह है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है, यह सरप्राइज हो सकता है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार आदि आबादी को किसने उसके हक से महरूम रखा, इसके पीछे की सियासत बेहद दिलचस्प है। इसके आंकड़े भी बेहद हैरान करने वाले हैं और उसके पीछे सियासत की एक अलग कहानी भी है। 13 साल पहले यह बिल पास हुआ था। सरकार लोकसभा में अगर बिल पास करा लेती है तो यह कानून बन जाएगा, यानी 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। 27 साल का क्यों? 1996 में देवगौड़ा की सरकार ने इस बिल को पेश किया था। वाजपेयी सरकार ने भी एक बार फिर से इसे पेश किया था। और फिर 2010 ये वो वक्त था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसे राज्यसभा में पास करवा लिया गया। राज्यसभा में, इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में इसे पास करवाया गया था मगर लोकसभा में नहीं। यानी कि सरकार होने के बावजूद मनमोहन सरकार ने इसे लोकसभा में नहीं भेजा, क्योंकि उस वक्त यूपीए में कई सवाल थे। उन सवालों का भी मैं जिक्र करूंगा, जो बयान जारी हुए थे बकायदा उस पर भी सियासत हुई थी। मगर सवाल यह कि क्या वाकई में बीजेपी अब आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई में पीएम मोदी का यह सरप्राइज, यह महिला आरक्षण बिल ही है? अभी तक बीजेपी ने इसको लेकर पत्ते नहीं खोले मगर कयास चरम पर है। छोटा सत्र जरूर है मगर बड़ा संदेश देने की कोशिश है। वैसे कांग्रेस और विपक्ष भी इसके समर्थन का ऐलान कर रही है। आज की तारीख में बात करें तो 543 सांसदों में 82 महिला सांसद हैं, 82 कुल मिलाकर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15% के आसपास ही आंकड़ा बैठता है। 2010 में 78 महिला बतौर सांसद चुनकर आई, तब इसकी संख्या हुई 14% के आसपास। सबसे कम महिला सांसद जब चुनकर आई थी सदन में तब 1977 आंकड़ा था महज 19 महिला सांसद, यानी कि 4%। अब 33% का मतलब क्या होता है वो भी समझिए। कुल मिलाकर करीब 189 महिला सांसद, 33% का मतलब हुआ है।
यानी छोटा सत्र है, इरादे बड़े हैं, क्या मोदी फिर से चुकाएंगे? महिला आरक्षण जरूरी या फिर चुनाव की मजबूरी? और महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है, इसका जिक्र किया जा रहा है, तो बड़े फैसले की लिस्ट में क्या महिला आरक्षण सबसे ऊपर होगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत क्यों मजबूर है और क्यों जरूरी है। लेकिन पहले यह बयान सुनिए जहां पर कांग्रेस कह रही है हम तो समर्थन के लिए तैयार है, तो फिर अब तक क्यों नहीं किया? पहले यह बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पार्टी की तरफ से खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए, ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ आपको जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14-15-10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी मैं और भी आंकड़े देता हूँ कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज है, क्या वाकई पीएम मोदी का सरप्राइज महिला आरक्षण बिल ही है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ गौरव जी जुड़ गए हैं बीजेपी का गौरव है, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि राजनीतिक विशेषक हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो गौरव जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ, वाकई में महिला आरक्षण विधेयक पीएम मोदी का सरप्राइज गिफ्ट यही है क्या, या अभी भी पत्ते खुलने बाकी हैं? ये तो अभी कयास है तिलक जी, लेकिन ये देश को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से लंबित है। और जैसा आपने खुद ही कहा 1996 में सबसे पहले लाया गया, फिर 2010 में राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के खाते में ही ये महान कार्य लिखा हो, इसकी संभावना केवल जताई जा सकती है। लेकिन अच्छा। अभी पूरे विश्वास के साथ या कंफर्मेशन के साथ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत लंबी फेहरिस्त है ऐसे कामों की जिससे कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वो सारे काम करने आवश्यक हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, यूसीसी की बात है, या फिर महिला आरक्षण की बात है, ये तमाम ऐसे कदम है, क्योंकि अब देश एक दिशा में बढ़ रहा है, एक लक्ष्य के साथ बढ़ेगा और नए सदन में जब आएगा ये देश तो निश्चित रूप से देशवासी और जो चुनिंदा हमारे सदस्य हैं, जो जाकर के वहां कानून बनाते हैं, जो भारत का भाग्य तय करते हैं, वो तो कल बैठेंगे, कल एकत्रित होंगे सुबह सुबह। यानी आपको उम्मीद है कि ये पीएम मोदी के सरप्राइज वाला जो अंदाज है उनका, हर बार देश को सरप्राइज देना, ये हो सकता है आप ये कह रहे हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसको सरप्राइज समझना चाहिए। ये वो विषय है जिससे दशकों से, कई दशकों से चर्चा हो रही है। 27 साल का वनवास खत्म होगा अगर होगा तो। बिल्कुल, जैसे राम मंदिर निर्माण का जो वनवास था, 522 वर्ष का वनवास मोदी जी के ही खाते में गया, उन्हीं के समय में, उसी नहीं, राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है ना वो। 370 संघर्ष हम लोगों ने किया था। नहीं गौरव जी संघर्ष किया। गौरव जी, जो आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है ना। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर बन रहा है, इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। हाँ। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन जो संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया देश में, नहीं वो तो आप कह रहे थे कि हमने, हमारे खाते में जाना चाहिए राम मंदिर का, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तभी बन रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के ही खाते में वो भी, ये भी एक महान कार्य जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार जैसे 370। अच्छा, जैसे सोमनाथ मंदिर बना था तब वो नेहरू जी के खाते में गया था। नेहरू जी ने तो उसका विरोध किया था, नेहरू जी ने तो राजेंद्र बाबू को जाने से भी विरोध किया था। हाँ। उसका वो लगातार विरोध करते रहे। देखिए हाँ। वो एक अलग विषय हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग विषय हो जाएगा। आज उस आज वैसे तो बहुत नहीं, इस विषय को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि नेहरू जी को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें पीएम जी ने कही, तो इसलिए इस विषय को अभी छोड़ देते हैं। हाँ, एक बात मैं राज जी आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि रमेश जी भी आ गए, आपका भी रमेश जी स्वागत है। राज जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर कई ऐतिहासिक फैसलों में उनका नाम जुड़ गया, अब महिला आरक्षण बिल को लेकर भी स्वाभाविक है कि हो सकता है कि इसीलिए आप लोगों ने छोड़ा कि वो काम भी मोदी जी पूरा करें, और आज आपकी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि हम तो खड़े हैं जी महिला आरक्षण बिल को लेकर। राज जी, ना तिलक भाई, हमारी पार्टी ने कोई आज ही नहीं इसकी घोषणा करी कि हम भी आपका समर्थन करेंगे। हमने तो इसे, आप जैसे बता ही रहे थे कि 2010 में राज्यसभा में पारित करा दिया था, अब अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में नहीं हो पा रहा था, तो अब उसका लिए कुछ बात चर्चा भी नहीं रही। क्यों, देश को बताइए जरा। अब कभी कभी कुछ तो मजबूरियां हो ही जाती हैं वहां पे। वो कौन सी ऐसी मजबूरियां थी? कुछ तो आप न्यूक्लियर लोकसभा में, न्यूक्लियर बिल को लेकर आप सत्ता को जो है आपने त्यागने का ऐलान तक कर दिया था। आप महिला आरक्षण बिल को लेकर कह रहे थे कि मजबूरियां थी, मैं समझा नहीं मजबूरी कौन सी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप मेरी सुन लें तब। हाँ। जैसा कि आज पूर्ण बहुमत पे है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत पे है। हाँ। पूर्ण बहुमत है, मैं कहता हूं अगर इनको हमारा साथ भी मिल रहा है तो इसमें क्या गुरेज है। नहीं तो क्रेडिट आपको क्यों जाए, मैं ये जानना चाहता हूं। बात यहाँ एक और बात, अच्छे काम अच्छे होते हैं, इधर सुन लीजिए, उसमें क्रेडिट का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जिस जो चीज देश के लिए अच्छी है, राजनीति पार्टियों का सबसे पहले काम क्या है, जो देश के हित में हो। विपक्ष का काम क्या है, जो सरकार अगर देश के हित में काम कर रही है उस पर टांग ना अड़ाए। अब ये महिला आरक्षण है, इसे लाना चाहिए देश। अब सोनिया जी ने भी कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, हम आपका साथ देंगे। नहीं, वो तो आपने 2010 में भी कहा था। बात कहा थी, तब तो हमारी सरकार थी। हाँ? और हमने राज्यसभा में पारित कराया था, लोकसभा में नहीं करवाया था, तो वहां पे मजबूरियां थी। वहां पूर्ण, अगर पूर्ण बहुमत तो यही बात गौरव जी की तो बात बिल्कुल सही है ना, इसका मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे फिर वही करेंगे। नहीं, हम नहीं कर रहे थे, हम क्यों करेंगे, हम देश को बर्बादी के लिए कभी इंतजार नहीं करते, क्योंकि सन 2014 से कुछ नहीं हुआ। मैं फिर डिबेट इधर हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो आज ये कर दे, जिसकी उम्मीद मुझे फिर भी कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी गौरव जी ने एकदम ब्लंटली नहीं कहा क्या करेंगे। नहीं, गौरव जी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि गौरव जी को नहीं मालूम, जैसे देश कयास लगा रहा है, जैसे आप और हम कयास लगा रहे हैं, वो भी कयास लगा रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो कयास नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, कयास अलग चीज है। सर करें, मांग करिए, हमारा गौरव जी जवाब दे रहे हैं। गौरव जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं मनीष जी और रमेश जी के पास जा रहा हूं। वो कह रहे हैं हम तो मांग कर ही रहे हैं। नौ पॉइंट्स का जो अभी लेटर लिखा था उसमें कहां था ये मांग? इसी विशेष सत्र को ध्यान में रख करके सोनिया जी ने लिखा था ना, कहा ये मांग चली गई थी? उस समय भूल गए थे क्या? उस समय स्मृति दोष हो गया था, उस समय भी पॉइंट को डालना चाहिए। एजेंडा बताया, एक मिनट, आपने गौरव भाई एजेंडा बताया? नहीं नहीं, आप एजेंडा बताते हैं फिर लिखते हैं, आप पहले से आइए। आपकी मांग एकाएक प्रकट क्यों हो गई? यही तो बता दीजिए ना। अरे पहले तो आपने एजेंडा मांगेंगे ना, मौका फिर बेकार आया नहीं है, आपने एजेंडा लिख के आया नहीं है।
अरे आपने एजेंडा लिख के दिया, आप बताइए तब हम सवाल करते। आप देखो फिर अब डिबेट को डिरेल मत करिए, आप चोरों की तरह काम मत करिए भाई, जो है आप हम कह रहे हैं आपका एजेंडा क्लियर था ना, आपका तो एजेंडा क्लियर था, उस एजेंडे में क्यों नहीं आपने मेंशन किया? फिर वही बात कर रहे हैं, हमने आपसे एजेंडा मांगा है, आपने एजेंडा नहीं लिया। एक मिनट, सरकार का ये भी फर्ज है राज जी, राज एजेंडा दे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कर दीजिए, हम आपके साथ है, कुल मिलाकर ये है ठीक, विरोध करके भी कुछ हासिल नहीं होता। खैर कोई बात, ये अलग बात है। हाँ। क्यों करे, हमने तो करा नहीं, नहीं आपने हाँ किया वो देखा, पूरे देश ने आपने किया देखा, देखा राज्यसभा में किया, लोकसभा में नहीं किया, पूरे देश में। अब रुक जाइए एक मिनट, विरोध में आपकी नीयत कभी साफ नहीं रही। एक मिनट, एक मिनट सर, जो आज भी सर्टिफिकेट लिए आए होंगे आप सर, एक मिनट राज जी क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ। 99 रन पर आउट होने वाला उसमें सेंचुरी में काउंट नहीं होता, जिसने 100 मारे वही काउंट होता है सेंचुरी, ठीक। उसमें भले ही एक रन और जोड़ लो, मेरी बात को समझिएगा। अब इस पहली को सुलझाइएगा, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी सर, एक मिनट रमेश जी, ये सियासी मजबूरी है या जरूरी है? ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और सरप्राइज देने में तो मोदी जी सबसे आगे हैं, तो अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर कदम आगे बढ़ाया जाता है तो कांग्रेस कह रही है हम तो साथ हैं सरकार के, आपका क्या ख्याल है? आपने बात इससे शुरू की कि मजबूरी है या जरूरी है, ठीक है, ये एक जरूरी मजबूरी बन गई है सरकार की। हाँ। जरूरी मजबूरी। अच्छा। 2014 से ये सत्ता में है, अगर इन्हें महिलाओं का इतना ही ध्यान होता तो महिला अत्याचार की इतनी घटनाएं इनकी सरकार में इनके नेताओं द्वारा की गई हैं उनका भी टाइम पे निराकरण करते। सेंगर वाला एग्जाम्पल अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का, एक बात। दूसरी बात, अब ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, बड़ा मुझे अच्छा गायत्री वाला भी याद है, बड़ा अच्छा है आरक्षण, आपको याद है गायत्री प्रजापति वाला? जी याद, हाँ याद है, वो भी बताइए ना प्लीज। सुन लीजिए, अब क्या, अब ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। बात तो इस पे आकर के है, अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जी पता नहीं है, अभी तो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, एजेंडा आने वाला है। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यही है कि जो मोदी सरकार अपने आप को 24 घंटे काम करने वाली सरकार कह रही है, संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसका एजेंडा संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन तक किसी को नहीं पता। मतलब जो प्रवक्ता महोदय जवाब दे रहे हैं, अगर आज ये सवाल अभी कैबिनेट की मीटिंग में जाने से पहले किसी मंत्री से पूछा गया होता तो उनका जवाब भी यही होता कि मुझे पता नहीं है, अभी घंटे दो घंटे में पता चलेगा। ऐतिहासिक रूप से जब भी संसद का सत्र रेगुलर शुरू होता है तो आप 48 घंटे पहले सत्र का शुरू होने के पहले सदन का एजेंडा लाते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, चलिए अब जो भी है, अब कुल मिला के आपका क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, महिलाओं की प्रगति पर कोई भी दल विरोध तो नहीं करेगा, सभी दल समर्थन करेंगे, लेकिन जो आपने पूछा मजबूरी है, ये मजबूरी सरकार की मजबूरी है मनीष जी, अब ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, वोट बैंक की। ओके मनीष जी, आपने तीनों राजनीतिक दलों को सुना, बीजेपी को भी, राज जी को भी और रमेश मोहन जी, ये कह रहे हम तो चाहते हैं, किसने रोका? हम तो चाहते हैं, हम तो पहले दिन से चाहते थे, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। हकीकत यह है, क्या वाकई महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर मोदी सरकार यह फैसला लेती है तो कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है देश को? देखिए, इस देश में विकास की राजनीति को हमेशा अपने फायदे नुकसान से तोला गया। हाँ। संभवतः बनना इस प्रकार की परिपाटी को छोड़कर जो राज्यसभा में पास करा देते हैं, लोकसभा में नहीं कराते और छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सरकार ने किया हो, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था लोकसभा में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो यह नहीं चाहती कि महिला आरक्षण बिल पास हो और उनकी वजह से ये प्रपोजल नहीं आने दिया गया, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी शामिल है। ये आज भी नहीं चाहते कि महिला आरक्षण भी पास हो।
क्यों? और संभवतः इसके पीछे रीजन ये है कि इनकी जो वोट बैंक है उनमें सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। जो मुस्लिम जो महिलाओं की लिबर्टी के नाम पर किसी भी तरह की रिलैक्स देना उचित नहीं मानता। जैसा कि मैंने उनके विभिन्न धार्मिक मौलानाओं वगैरह की जो बात सुनी उससे अंदाजा लगाता हूँ, ऐसे में उन्हें लगता है कि भाई इस तरीके की बातें अगर होंगी महिलाओं को स्वतंत्रता मिलेंगी तो जो टिकट मुसलमानों को देनी है उनमें से 1/3 महिला मुसलमान मुस्लिम महिलाओं को देनी पड़ेगी। हाँ। तो इस तरह से समाज में भले सशक्तिकरण का मैसेज जाए पर कहीं ना कहीं समाज इसको मुस्लिम समाज इसको वेलकम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विरोध करेगा, वेलकम नहीं करेगा। तो संबंध यही वजह थी, पहले भी समाजवादी पार्टी ने और आरजेडी ने कहा और अब राज्य कह रहे हमारी मजबूरी थी हम लोकसभा में नहीं ला पाए, मतलब राज्यसभा में पास करवा लिया लोकसभा में नहीं ला पाए मजबूरी। यानी इनके अंदर त्याग की भावना नहीं थी और इनकी मजबूरी आज भी है। अब मजे की बात है ये आज बताइए जोशीले क्यों है, क्योंकि इनकी मीटिंग में ये तय हो गया है कि हम अभी गठबंधन नहीं करेंगे, हम 3 राज्यों के चुनावों के बाद गठबंधन करेंगे। हमारे अगर सीटें ज्यादा आ गई तो हम उसके हिसाब से वो सीटें मांगेंगे। तो ऐसे में अगर कोई लूटेगा तो फिलहाल चुनाव होने तक गठबंधन इसी बारे लोग देंगे नहीं भाई हम तो महिला आरक्षण समर्थन कर रहे हैं। हाँ। तो ये राजनीति के एक हिस्से के अंदर अपने घर के अंदर राजनीति चल रही है। कांग्रेस इसलिए इस मुद्दे पर बड़ी उत्साहित है और खुश है कि अगर बिगड़ा तो ठीक बना तो ठीक, अगर बिगड़ा तो हम कहेंगे देखो जी हम ही कर सकते हैं। राज्य करना चाह रहे राज्य कुछ कहना चाह रहे फिर मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं मैं इनकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम शुरू से ही समर्थन करते थे और कांग्रेस ही एकमात्र इस देश में पार्टी है जो महिलाओं की रक्षा के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मीटिंग नहीं की आपने करके छोड़ दिया, लिखावा करके छोड़ दिया, ये आप कह रहे हो ना। अब आप ये बता दीजिए जो आप बोलोगे उसी को मान लूंगा, जो मेरी पार्टी कर रही है मैं उसको बोलूंगा ना। मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसमें कोई वही बात भी नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। राजनीति है, राजनीति किसके लिए कर रहा है? इलेक्शन लड़ने के मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? आप एक बार मोदी जी इलेक्शन हारने के लिए लड़ रहे हैं? इलेक्शन जीतने के लिए आप बताइए ना मुझे राजनीति क्या करेगी? आप एक बार अरे भाई राजनीति किसके लिए की जाती है? मोदी जी इलेक्शन हारने के लिए नहीं जाती है। हम घर में सो रहे हैं क्या? छोड़ दो सरकार को, जो देश को देखे आपकी राजनीति हम कर रहे हैं। अगर मिलियन तो आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ भारतीय जनता पार्टी हमसे कहाँ जीतती है? आप बताओ कहाँ जीत रही है? आप बता दीजिए। अरे भाजपा वालों से पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो भाई? मनीष जी बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी ना, एक मिनट रुकिए ना राजी एक मिनट मैं बहुत हद तक इनके इनकी एक बात से सहमत हूँ। एक रुकिए ना, आपकी आपकी विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग है, ठीक, जनता को तय करने दीजिए। जो बात मनीष जी ने कही उससे मैं सहमत क्यों हूं रमेश जी, एक मिनट राज जी, रमेश जी के पास जा रहा हूं। यह बात पे मैं इसलिए सहमत हूं जो बात मनीष जी ने कही, 2010 में जब राज्यसभा में इस बिल को लाया गया, पास करवाया गया, तो लोकसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में क्या हुआ? बताऊं क्या हुआ? बताइए सर, आप ही बता दीजिए। वो परकटी महिला वाला कमेंट याद है आपको? मैं उसी पर ही आ रहा था, मैं तो सिर्फ परकटी वाले पे सीमित नहीं हूं। रुकिए सर, परकटी तक सीमित नहीं हूं। जो शरद जी ने कहा, एक मिनट, आप बिल्कुल, क्योंकि बहुत काबिल प्रवक्ता है रमेश जी, मुझे एक बात बताइए, जब मुलायम सिंह यादव जैसे सरीके दिग्गज ये कहे कि अगर ये बिल हूबहू पास हो गया तो युवा सांसदों को सीटी बजाने के लिए उकसाया जाएगा सदन में, मतलब युवा सांसद सीटी बजाएंगे सदन में। अभी आगे सुनिए, एक और दिग्गज बड़े चेहरे लालू जी कहते हैं कि अगर ये हो गया तो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को दबाने की ये कोशिश है। रमेश जी गलत तो नहीं कह रहा? और एक बड़े चेहरे कहते हैं परकटी महिला, ये सोच है हमारी सांसदों की, तो फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य करें नहीं, हमारा सीना चीर के देखो, हम तो महिलाओं के प्रति है, हम तो चाह रहे थे त्याग कर देंगे, मतलब न्यूक्लियर डील को लेकर कहते हैं कि सत्ता का त्याग कर देंगे, महिला आरक्षण बिल को लेकर कहते हैं नहीं मजबूरी थी,
मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मनीष जी की बात से सहमत हूं इस बात को लेकर। प्लीज पहले आप, फिर मैं गौरव जी के पास आ रहा हूं। देखिए मैं बताऊं, जो आप बयानों का जिक्र कर रहे हैं वो उस वक्त के अखबारों में छपे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज भारत की सोच, भारत का युवा वर्ग दुनिया के साथ इतना जुड़ चुका है, आर्थिक व्यवस्था इतनी जुड़ चुकी है कि जो आज खड़गे जी ने एग्जाम्पल दिया अमेरिका के महिला सांसद, ब्रिटेन के महिला सांसदों का, वो हकीकत अब भारत में लाने का ही प्रयास है कि अब महिला आरक्षण बिल पुनर्जीवित रूप में सामने आया है। यानी सोच बदल गई, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब से महिला आरक्षण बिल से चर्चा प्रारंभ हुई है, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उनके दलों की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। इसलिए मैं मानता हूं, मुझे मानने का हक है। और देखें उन दलों में भी अब महिला प्रवक्ता हो चुकी है, महिला सांसद हो चुकी है, अभी महिला विधायक है। तो मैं उस पर भी आऊंगा सर, मैं पूरा आंकड़ा लेकर बैठा हूं। रमेश जी, रमेश जी, यानी सोच पुरुषवादी रही ना, इसी वजह से तभी तो मनीष जी ने बात खुलकर कह दी तो आप लोगों को बुरा लग गया। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, भारतीय व्यवस्था में ये पुरुषवादी सोच की मानसिकता हावी रही है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप इतिहास उठा के पढ़ें आपको ये मिलेगा। सर वही बात तो मनीष जी कह रहे थे कि भाई आज की तारीख में ये करने की मजबूरी इसलिए है क्योंकि दूसरे सहयोगी दल इसलिए विरोध करेंगे, वहां पर एक समाज ऐसा है जहां पर टिकट आप महिलाओं को देंगे तो उसकी नाराजगी वो ज्यादा करेंगे, और तीन तलाक के विषय में भी यही हुआ था। देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं वो सीधे सीधे टिकट वगैरह पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग आज सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नहीं तो इसका मतलब यही है, इस पर बात कर रहे हैं। टिकट का ही तो मसला है, नहीं आप 33% आरक्षण कैसे देंगे बताइए। सर लोकसभा जो नई वाली आई है उसमें सीटें भी बढ़ेंगी 2026 में, नया परिसीमन होने वाला है। अच्छा, 2026 में सीटें बढ़ जाएंगी। हाँ। तो ये जो है ना प्रतियोगिता का असर ये और व्यापक हो जाएगा, मौके और ज्यादा मिलेंगे। इसलिए सर कोई 54 उम्मीदवार राजनीतिक दल, जो बड़े राजनीतिक दल है बीजेपी कांग्रेस, एक 55 उतारता है तो एक 54 महिला प्रत्याशी उतारता है, तो आप कौन सी भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? देखिए महिला आरक्षण बिल का फायदा क्या होगा? हाँ। जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर महिला ही लड़ेंगी ना सर। वो फॉर्मूला तो मुझे समझ में आता है जी, लेकिन मेरा सवाल यही है जसका तस कि आप पहले 54 और 53 महिलाओं को उतार रहे हैं। मनीष जी पहले आप जल्दी से, फिर गौरव जी को पूरा वक्त। एंकर मोड एक लाइन, एंकर मोड एक मिनट, एक मिनट रमेश जी, एक मिनट पहले मनीष जी अपनी बात रखें, फिर गौरव जी आपके पास जल्दी। रमेश जी की बात पर कह रहा था, लाभ वही होता, महिलाओं को वही लाभ होगा जो रजिस्ट्री में 8% की जगह 6% महिलाओं को देना होता है ना, तो जो लाभ महिलाओं को हो जाता है वही लाभ रिजर्वेशन का हो जाएगा। अब एक लाइन बोलूं, देखिए ये महिलाओं की सीट का मसला नगर निकायों के चुनावों में कहीं किसी राजनीतिक दल को परेशान नहीं करता। वहां लोग जानते हैं कि इस बार ये सीट महिला की है, ये सीट पुरुष की है, ये सीट एससी की है, ये सीट एसटी की है। वहां पर लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर ये प्रयोग सफलतापूर्वक चला हुआ है, और यही वजह है कि जमीन से ये सोच परिवर्तित होती हुई अब विधायिका और संसदों में भी आ रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक गौरव जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि 13 साल पहले राज्यसभा में यह बिल पास हुआ, ठीक, मगर लोकसभा में पास कराना था आपकी सरकार प्रभु राम की कृपा से, जैसे आपने कहा प्रभु राम की कृपा से 9 साल से 9.5 साल से है, बहुमत में थी, तो आप इसे पास क्यों नहीं करवा पाए? आज 9.5 साल के बाद एकाएक आपको याद आया कि महिला आरक्षण बिल को पास करवाना है, क्यों? पिछले 9 वर्षों में तिलक जी, हाँ, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। 3 तलाक का जो की जो उपलब्धि है, जो कानून बने इस पर, वो अपने आप में महिलाओं के हित में, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, उनके हक के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार के खाते में जाता है। मुझे मालूम था आप ये जिक्र करेंगे, लेकिन वो आपके घोषणा पत्र में नहीं था। एक मिनट सर क्लियर कर लेते हैं। 2014 के घोषणा पत्र में आपने ऑफिशियल ये डिक्लेयर किया था कि हम बहुमत में आएंगे तो महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे, मगर 2019 के घोषणा पत्र में आपने उसे हटा दिया।
ठीक, और उस घोषणा पत्र को हटाने के बाद आप आज महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं सर। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते कि नहीं। तिलक जी देखिए, किसी चीज का उचित जब समय होता है तो निश्चित रूप से वो काम होता है। 370 का मुद्दा हमारी मैनिफेस्टो में आज से नहीं, बहुत पहले से था, दशकों पहले से ये मैनिफेस्टो में रहा है, राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा है। तो कम से कम ये कहना कि पहले हमने क्यों नहीं कर दिया, यद्यपि पहले हमारी सरकार भी नहीं है, हर चीज का एक उचित समय आता है तो उस समय उसको किया जाता है। आज संसद का जो कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री जी के प्रति, सरकार के प्रति जो देश का इकबाल है, जो नागरिकों की का जो एक भरोसा है, वो उस स्तर पर है जहाँ इस बात के लिए पूरा प्रमाण है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, एक मिनट, कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं सर, कुछ आंकड़ों पर। गौरव जी आंकड़ों पर बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कानून आएगा तभी आप टिकट देंगे, आप टिकट तो देना आपके हाथ में था ना सर। अगर कानून नहीं भी आया तो आप टिकट दे सकते थे। उदाहरण के तौर पर 2019 का मैं आंकड़ा देख रहा था, आपने सिर्फ 55 महिला उम्मीदवारों को उतारा, 55 महिला उम्मीदवार, और 2014 में जो है वो 60 के करीब। ये सर समझ में नहीं आया, ये तो किसी ने नहीं रोका था आपको। जब एक एक परंपरागत व्यवस्था चलती आती है तो हमको उस प्रतिस्पर्धा में बने रहना पड़ता है और सभी दल उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। तो मतलब परिस्थितियों में जहां आवश्यकता पड़ी, जहां हमको विनिंग कैंडिडेट ऐसा दिखाई दिया कि यहां पे महिला उम्मीदवार हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है, उस हिसाब से हम उस चुनावी यानी महिला उम्मीदवार जिताऊ प्रत्याशी नहीं होती, आप ये कह रहे हैं इसलिए नहीं उतारते। आप उसका उल्टा अर्थ न ले। नहीं, मैं उल्टा नहीं सर, 33% सर, आप 33% लगा लीजिए, 179 महिला उम्मीदवार होनी चाहिए, तो फिर आपने क्यों कम उतारे? जब कानून बन जाएगा तो अपरिहार्य हो जाएगा सभी के लिए, तो सबको यही करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, आम आदमी यही बात थी ना राजी, यही बात है ना राजी, यही बात है ना पड़ेगा। ये लोग महिला विरोधी पार्टी है, ये पार्टी है तेरा भाई, इन लोगों से कोई भी आपका चेहरा दिखाऊं, आपका चेहरा दिखाऊं राजी, डरेंगे तो नहीं? नहीं, आपका चेहरा दिखा देता हूँ, हमने देश के लिए काम किया। नहीं, आपने क्या काम किया था बता देता हूँ, एक मिनट गौरव जी सार्वजनिक रूप से क्या बोला था महिला संसद के बारे में, हमारी सरकारों ने बनाया है और हम लोग किसी के विरोधी नहीं है। ये बेटी जलाओ पार्टी है, झूठ बोलती है, अभी आप ही बोल रहे हैं। तंदूर कांड किसने किया था? से पहले तंदूर कांड किसने किया था? बिल लाने में क्या जा रहा था? किसने किया था? आपके नेता ने किया था? जिद्दा करोगे? आप क्यों भूल रहे हैं? आप भूल रहे हैं निकले क्या पंजाब से? गुरु ने कांड के रख दिया गया था, महिला के पूरे बहुमत में थे, परोपकार बने हुए हैं। वही बात, और मुझे तो उम्मीद है कि आप ये भी ना लाओ इस सेशन में, मैं ये भी उम्मीद जता रहा हूँ। आप देश की जनता को जादूगर की तरह धोखा देते हो, आप महिला को धोखा दे रहे हो, स्टूडेंट को धोखा दे रहे हो, शिक्षक को धोखा दे रहे हो, डॉक्टर को धोखा दे रहे हो, और जनता आने वाली संतानों को, और यहाँ तो जाता हूँ जो आप पेट के गर्भ में है उस बच्चे को भी आपकी पार्टी धोखा दे रही है, उस बच्चे को भी आहार नहीं मिल पा रहा है। आप मैंने बहुत गरीब दिया, आज जो बच्चा पेट के पेट में गर्भ में, आप उस बच्चे को भी धोखा दे रहे हैं। राजी को आंकड़ों पे बात करिए ना, ये नारेबाजी तो मंच पर आप लोग अच्छा लगा लेते हैं। एक बात, एक मिनट रुकिए ना सर, मजबूर करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी दावे के संगे बोल नहीं लाएंगे। होती है उसको गलत दिशा में मत ले जाइए। एक मिनट, आप प्रमाणों के साथ भाई मत समझाओ, करिए बड़े प्यार से सुना तो महिला के बारे में क्या बोला था? एक मिनट गौरव जी ने क्या बोला था? गौरव जी का नाम सही करिए कि गौरव भाई आपने कितना ठगा। गौरव जी का नाम सही करिए प्लीज। गौरव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं राज जी आपसे, कि आपने उनका तो आंकड़ा सुन लिया, मैं आपका भी पढ़ देता हूं सर। आप तो महिला हितेशी रहे हैं ना शुरू से ही, कि भैया हम तो रहते हैं महिलाओं के साथ, हम तो देते हैं हिस्सेदारी। अब एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा सर, आप हिल जाएंगे, इसी 2022 के चुनाव का किस्सा है, हिल जाएंगे आप। रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं 2019 का ही आपका आंकड़ा कांग्रेस का, महज 54 महिला उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया। इन्होंने तो 55 को दिया, आपने 54 को दिया, और जीत कर आई इच्छे तो सर आपको किसने रोका था राज जी? किसने रोका था? नहीं रोका था। हाँ, लड़की लड़ सकती हूँ तब याद नहीं आया था आपको? बात सुनिए, तब याद नहीं आया लड़की लड़ सकती हूँ? सारा आप ही बोलोगे फिर मैं क्या, आपको कम बोलना है हमें ज्यादा बोलना है? बोलिए सर। गलती आप किसी रास्ते में चल रहे और वहां स्लिप होके गिर जाओ, वो आप गलती नहीं होती, लेकिन दोबारा गिर जाओ
तब आप गलत हो। अगर हमने दिया, हम ही चाहते हैं महिला का आरक्षण हो, हम ही ने राज्यसभा में कराया था। आज ये आप ही कह रहे थे अभी कि 9 साल साढ़े 9 साल से फुल मेजोरिटी में, इसमें चाहिए पंजाब से गिद्दा मंगाते कि कर देते बिल पेश करो। अभी आप ही कह रहे थे अभी भाई आप कह रहे थे। कितनी बार स्लिप हुए, कितनी बार स्लिप हुए? हम एक ही बार स्लिप हुए, एक ही बार फिर नहीं हुए, नहीं हुए। अच्छा बताइए आप 1996 के बाद से आपको कभी भी मौका नहीं मिला और आप सीधा 2010 में जाके स्लिप हुए। ठीक है, ओके, आप ओके। मैं बता रहा हूं आपको, हम 2010 में मनीष जी कोई गलत प्रश्न तो नहीं किया। एक मिनट, ये किसी ने 33% का जिक्र कर रहे हैं लेकिन महिला प्रत्याशी को उतारने के मामले में कंजूस हो जाते हैं। नारा लगाएंगे लड़की उलड़ सकती हूं, लेकिन जब लड़वाने का मौका आएगा तो कहेंगे ना अभी किनारे हो जाओ, जिताऊ कैंडिडेट। तिलक भाई, इसमें एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां होती है किसी फ्रंट पे। मानो किसी जेंट्स को टिकट दे दो, देनी हो, महिला को मिल गई हो, महिला ने उसको पकड़ लिया। दयाशंकर जी का केस बीजेपी में जानते ही हैं, वो बच नेता होगी तो कहीं ना कहीं पुरुष को बड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है। हमारा देश अभी भी पितृसत्तात्मक परिवार है जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों का वर्चस्व अधिक है, तो ये सच है और ये मजबूरी सबकी है, भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी और पार्टियों की भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे पर आगे खड़ी होकर बाजी मारने का प्रयास करती है। कांग्रेस ने कोशिश की लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी के दबाव में पीछे रह गई, और मुझे लगता है इस बार भी ऐसा होगा। अगर समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसको रोका तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फंस जाएगी, जैसे सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है। कांग्रेस सनातन का विरोध नहीं करना चाहती लेकिन वो स्टालिन का विरोध नहीं करना चाहती, इसलिए फंस गई है। या समाजवादी पार्टी और आरजेडी से अलग जाएगी तो कांग्रेस का उत्तर भारत में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, आज क्या लेना देना इस बात को लेकर? भाई मेरा लेना देना ये है कि भाजपा भी मुद्दा लेके आई है तो कांग्रेस की इस बार भी ये फंसेंगे आरजेडी और सपा के चक्कर में, एक्सपोज हो जाएंगे कांग्रेस। इसलिए तो कांग्रेस खुश है कि हो तो ठीक ना हो तो भी ठीक। सनातन के सनातन के विरोध भी करते हैं तो एक और मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं आपसे दावे के संग कह सकता हूं कि हमारा पूरा गठबंधन है एक एक नीति के तहत। हर विचार पार्टी के आपस में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी के संग करता था। भाई अरे वो सनातन धर्म का निर्णय हो जाता भाई, नहीं करता हो जाता है। बताइए जरा सनातन धर्म, सनातन धर्म पर बीमारी बताता है, बताता है तो आप तक खून ढंगा के बन जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ क्या मेरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए ना, मैं क्यों बता रही हूँ मेरी अपनी गलती है। आप बताइए क्या मोदी जी कोई भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्चता गौरव भाई कह सकते हैं कि डीएमके को हम हटा देंगे? राजनीति वो सनातन को मानते हैं, आपको विरोध करने की हिम्मत नहीं है। चलो अरे छोड़िए, चलोगे आप आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए, आप विश्लेषण बने तो अच्छी बात करोगे। धर्म के ऊपर कोई गाली दे रहा है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, धर्म नहीं आती आपको बात कर देंगे तो बात सही करें तो बैठ जाओगे। अरे बोलो ना, बोलिए इसी चैनल पे आ जाओ, आपको बात बोलो कि मोदी जी को कहना चाहिए, अरे बोलो जी को कहना चाहिए कि हम अपने साथ नहीं रखेंगे। तो बोलो ना, स्टालिन गलत बोल रहा है। अरे आप बोलिए, बोलिए ना, जो हमारी माताओं बहनों पर आक्रमण, मैं बोलता हूँ आप उनके विचार से इस्तीफा नहीं रखते, धर्म नहीं आती हमारी पार्टी रखती है। और बोलो आप, अरे ऐसी राजनीति में थू, ऐसी राजनीति में थू, क्या बोलते हो विश्लेषक हो? ये थूक आखिरी शब्द छोड़ो आप, ये कैसे शब्द बोलते हो? अरे छोड़ो तो अपना ध्यान तो रखो। अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता तो अच्छा लगता, आप विश्लेषक होकर बोलोगे, शर्म आनी चाहिए भाई। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, जैसे ये थू थू ये शब्द कह रहे हो राजी, एक्ट लाइक ए विश्लेषक राजी। एक मिनट राजी, मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि जो आप लोग कहते हैं कि महिला प्रत्याशी को मौका इसलिए कम मिलता है क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं होती। ये सोच, ये नजरिया, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं अक्सर ऐसी चर्चाओं में उस विषय को नहीं लेकर आता, लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी की पार्टी ने ऐसा कारनामा किया
कई ऐसी महिलाएं जिनको मौका दिया, ना सिर्फ वो जीत के आई बल्कि उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया। उदाहरण के तौर पर मेरी एक पुरानी सहयोगी है राखी बिल्रा, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। ठीक, उस लड़की ने ना सिर्फ अपने आप को साबित किया, चुनाव जीता, बार बार जीता जीता। तो ऐसा नहीं है कि जिताऊ कैंडिडेट आप कैसे तय कर लेंगे जिताऊ कैंडिडेट। और ऐसी सीट जो सबसे मुश्किल सीटों में से एक थी, मैं रमेश जी गलत उदाहरण तो नहीं दे रहा, आप मौका तो दीजिए ना, मौका तो दीजिए। तो वो एक युवा चेहरे को मौका दीजिए तो वो विधानसभा का स्पीकर तक बन जाएंगी। लेकिन आप ये तय करके अगर बैठते हैं कि भैया नहीं महिला मतलब जिताऊ कैंडिडेट नहीं, तो फिर तो आप फिर 33% कर दीजिए या 50% कर दीजिए। रमेश जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राखी जी ने मंगोलपुरी की मुश्किल सीट, जिस मंगोलपुरी से उस समय कांग्रेस के एक विधायक से जो मंत्री हुआ करते थे, उनको हराया था उन्होंने। आतिशी मार लेना एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, प्रमिला टोकस ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, स्वाति मालीवाल ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, जिन्होंने आकर के राजनीति को एक नई दिशा, एक नई सोच परिचित कराए। तो मौका मिलने पर हर पार्टी में ऐसी महिलाएं हैं जो कि आगे आकर के देश की दशा और दिशा को बदल सकती हैं। तो मनीष जी वही बात तो कह रहे रमेश जी, जिसको लेकर ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई सपा और आरजेडी विरोध करेगी तो कांग्रेस कैसे समर्थन में उतरे, कांग्रेस खुद फंस जाएगी। देखिए, अब कांग्रेस की जो संसदीय रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी तय कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि उनके अध्यक्ष के बहुत स्पष्ट रूप से लोग राज्यसभा में ऐसा कहने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी अब इस बिल के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे दूसरी पार्टियों का स्टैंड जो भी हो। मुझे ये लगता है, जिस तरह से आज खड़गे साहब ने एक एक शब्द पे जोर दिया है उससे मुझे लगता है, और वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारित संस्था है वर्किंग कमेटी, ताजा ताजा अभी हैदराबाद में मीटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब कैटेगोरिकल अपने स्टैंड पे फर्म रहेगी, बाकी कोई दूसरी पार्टी जैसा चाहे वैसा करे। और जैसा मैंने बताया आपको शुरू में कि अब गंगा में पानी काफी बह चुका है, समाज में सोच में परिवर्तन काफी ज्यादा आ चुका है। एक बात आप ध्यान दे दे जरा, मुलायम सिंह जी का बयान तो आपको याद है एंकर महोदय, मुलायम सिंह जी की बहू लालू यादव जी की प्रिय बिटिया आज सदन की शोभा बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है? लेकिन रमेश जी आप अधूरी बात बोल रहे हैं, मैंने उन व्यक्तियों का उदाहरण दिया जिनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, आप ही की पार्टी के, समझे सर, जिनको सत्ता विरासत में नहीं मिली थी। मैंने उन चेहरों का जिक्र किया जो आपकी पार्टी है, जिन्होंने आपने मौका दिया और उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया। मैंने इसलिए जिक्र किया था, मायावती जी आगे आई, उनको भी कोई विरासत सर, ये नारा लगाने से नहीं होगा, लड़की लड़ सकती हूँ, राज्य को पूरा लग जाएगा। उदाहरण तो उसका जवाब राज्य दे देंगे। हाँ, वो राज्य देंगे क्योंकि वो आपके दूसरे गठबंधन के सहयोगी हैं, राज्य में नहीं है, लोकसभा में है। मैं हर पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं ना। नहीं सर, आपकी बात सही है, आप लोकसभा में हैं इनके सहयोगी लेकिन राज्य में नहीं है। राज्य ऑफिशियली बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, गूगल पे जाने की फिलहाल मुझे अभी जरूरत नहीं है, ऑफिशियली बता रहा हूं। जब आपने ये नारा दिया था, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, जब आपने ये नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक, उत्तर प्रदेश से ये नारा गूंजता हुआ उत्तराखंड में पहुंचा। मनी जी सुनिएगा, गौरव जी सुनिएगा, उत्तराखंड में आपके सबसे बड़े चेहरे माननीय श्री हरीश रावत जी, बताता हूं ये नारे का कितना दम है आपका, माननीय श्री हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने दो विधानसभा सीटें तय की, उनमें से एक विधानसभा सीट थी लालकुआं। क्या लालकुआं? वहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस सीट से लड़ूंगा, अच्छी बात है। जानते क्या हुआ सर, वहां आपने ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, संध्या नाम था उसका अगर मैं सही हूं, संध्या ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, जारी हुआ कि ये मैडम चुनाव लड़ेंगी संध्या जी, हरीश रावत जी ने कहा नहीं मैं यहीं से लड़ूंगा, क्या हुआ, टिकट
काट दिया गया। एक महिला कैंडिडेट जिसको आपने ऑफिशियली टिकट डिक्लेयर किया, आपके सबसे बड़े चेहरे ने कहा कि इन 70 सीटों से हटकर मैं तो इसी सीट पे चुनाव लड़ूंगा, और टिकट काट दिया गया। ये है लड़की लड़ सकती को फॉर्मूला, समझे राज जी? चेक कर लीजिएगा, ये हकीकत है। रिजर्वेशन होने के बाद तिलक भाई आप मुझे बोलने दीजिए, आज कल को ये विधेयक पास हो जाता है 33% रिजर्वेशन हो जाएगा, हो सकता है कोई महिला ना हो इस क्षेत्र में, हम महिला हमें नहीं दिख रही, दूसरे देश में लगा देंगे। सर आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद टिकट काट रहे हैं, ये पार्टी का आप कैंडिडेट ना 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 पार्टी का मतलब वही कह रहा हूँ ना, या तो आप ये नारा मत दो लड़की लड़ सकती हूँ, आपने डिक्लेयर किया पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया और आपने उस महिला का टिकट काट दिया। तिलक भाई अब मेरी सुन लीजिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो क्या 100% सीट पर तो नहीं था? आपको जहां लगेगा वहां जिता लड़की लड़ेगी। हाँ तो यही बोलिए ना, हमें जिताऊ कैंडिडेट लगेगा तो हम उतारेंगे, ये मत बोलिए कि हम हर पाइए भाई 33% हो जाएगा फिर क्या? 33% आप देखिए ना किन राज्यों में आपने 33% टिकट दिया, आपको 33% देना तो आप कर दीजिए, मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर सकते तो करके दिखा दीजिए। अरे वो बड़े नेता फैसला ले लेंगे, चमेली का तेल लगा के पूछो को ताव दीजिए ना फिर राम जी, पूछो को ताव देता हूँ बड़े नेता। हाँ तो ऐसे नहीं मत दीजिए, आप 33% वहां पर आरक्षण लागू कर दीजिए, मैं मान लूंगा। अरे आप आपके मानने या मेरे मानने से नहीं होगा। हाँ तो हमारी गलत बात तो नहीं कर रहा ना, राज जी को इस बात में दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं आप पहले पूरी बात सुनिए, आपने पहले कहा लाल कुआं की बात कही, मैं वहां से भली भांति परिचय हूँ, इधर सुन लीजिए। वो संध्या, हमें लगा कि संध्या वहां पे आप, आपका ये परसेप्शन है ना कि हरीश रावत जी ने कहा कि वो मैं लड़ूंगा, मगर वहां ये हुआ था कि शायद संध्या जी ना जीते, ये लगा गया, और किस कोई भी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन राज जी आप छोड़ दीजिए वो विषय, वरना फिर मैं रामनगर भी पहुंच जाऊंगा, वहां क्या हुआ था फिर वो दिक्कत हो जाएगी। मैं हर बात बताऊंगा क्योंकि हाँ, वहां से मैं बाकी पूछ क्षेत्र। हाँ तो इतना भी बाकी मत होइए, फिर रामनगर जाएंगे उससे पहले तो वो नहीं कटे साहब, कौन पार्टी टिकट नहीं काट देती सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, अभी विषय में मत जाइए, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, उस टिकट आपने अनाउंस किया उस टिकट को काटा गया था। ठीक नहीं वो इतनी इत्तेफाकन लिया आपकी बात की, काटा क्यों? काटा वो पार्टी का अंदरूनी मामला था। जी जी वो अंदरूनी था, ठीक है ओके ओके। अब मैं गौरव जी को पूरा वक्त देना चाह रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति? यूनियन कैबिनेट, एक सेंटेंस, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई, 16 मिनट हो चुके हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि यूनियन कैबिनेट की मीटिंग बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग ही नहीं हुई कि कैबिनेट के फैसले क्या है। तो गौरव जी जो कह रहे थे कि अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी तो पता चल जाएगा, गौरव भाई को अभी भी नहीं पता है कि हुआ क्या। ठीक, आप ये कह रहे हैं महिला बिल को लेकर पूरे देश में शोर है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने एक एक करके रखता हूं, और गौरव जी उसका प्लीज जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि हवा में बात करना एक अलग बात है, महिला बिल को लेकर आप लोग सीरियस हैं आपने कहा गौरव जी? क्या बिल्कुल ठीक, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो प्ले कर पाए हम। आंकड़ा नंबर एक, अगर आप गौरव जी मार्गदर्शन कर पाए, एक मिनट प्लीज स्क्रीन से हटाइए आंकड़ा, गौरव जी अगर आप मार्गदर्शन कर पाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा संसदीय दल है, प्लीज इस म्यूजिक को बंद करिए, ये जो सबसे बड़ा आपका संसदीय दल है, मैं गलत तो नहीं हूं, संसदीय दल आपका सबसे बड़ा पार्टी संगठन का सबसे बड़ा दल है जहां फैसले लिए जाते हैं जिस बॉडी में, उस संसदीय दल में कितने महिला सदस्य हैं? ठीक है मैं समझ रहा हूं तिलक जी, देखिए मैं बता देता हूं सर, आप एक मिनट मैं बता देता हूं सर, साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है जहां एक तरफ महिलाओं की पैरवी का आप जिक्र कर रहे हैं, धरातल पर कुछ और आंकड़े हैं जो हैरान करते हैं। पहला आंकड़ा मैंने संसदीय दल का जिक्र किया, अब प्लीज प्ले करिएगा, संसदीय दल में बीजेपी के कुल सदस्य हैं 11, महिला सदस्य है मात्र 1.9%। और अब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं, कुल सदस्य हैं 39 और महिला सदस्य हैं 6 कांग्रेस में, महिला सदस्य और 15% ये आंकड़ा बैठता है कांग्रेस का। गौरव जी स्क्रीन पर, गौरव जी आप एक आंकड़ा और साथ के साथ दे रहा हूं, लोकसभा में 2019 में आपने 55 उम्मीदवार उतारे महिला, महज 55, और 41 वो जीत कर आई, इसका आंकड़ा फीजी के हिसाब से
बहुत कम हो जाता है, और कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 54 महिला उम्मीदवार उतारे और 6 जीत गए। ये आपके संसदीय दल में महज एक महिला सदस्य, सर ऐसा क्यों? हाँ, लेकिन अगर जीत का आंकड़ा अगर आप देखें तिलक जी, हाँ, 54 में से अगर आप ही आंकड़े के हिसाब से अगर 41 जीत के आ रहे हैं तो उनका सबसे, तो आपने दी तो सर 54 टिकट ही। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है 19 अक्टूबर 2021 को, हाँ, कि 40% सीट ये बाकायदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिला के लिए रिजर्व रखेंगे और महिलाओं को देंगे। कितनी सीटें इन्होंने दी थी जरा पूछ लीजिए, और ट्वीट भी मैं आपको तो रोक नहीं पाया कोई सर, मैं तो पूरे आंकड़े लेकर बैठा हूँ। एक मिनट, इस समय राज्यसभा में 10% महिलाएं और लोकसभा में 14% महिला सांसद हैं। कुल मिलाकर देश में विधानसभाओं में देखें तो भागीदारी है 10%, है ना सर? यह आंकड़ा भी है। मैं उस आंकड़े के इतर एक आंकड़े का और जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा आपकी जो संसदीय दल है उसमें एक महिला सदस्य है। क्या मौजूदा वक्त में जिन शासित राज्यों में आपकी सरकार है कहीं कोई महिला मुख्यमंत्री है कहीं भी? देखिए, देश की पहली रक्षा मंत्री भी हमारी सरकार ने दिया, महिलाओं का हमारी पार्टी में पूरा सम्मान है और महिला मोर्चा है, बाकायदे राष्ट्रव्यापी स्तर पर महिला मोर्चा है। नहीं, महिला कोई महिलाएं ही पार्टी महिला मुख्यमंत्री है, पार्टी को अपना योगदान देती हैं। और देखिए, जब प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो चुनाव जीत और हार के आधार पर तय किया जाता है, ठीक। और निश्चित रूप से जब चुनाव जब ये कानून बन जाएगा कि नहीं 33% हमको भागीदारी देनी है, हाँ, तो निश्चित रूप से पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक। और मेरी पार्टी बहुत पूरी तरह से कमिटेड रही है महिला उत्थान, महिला आरक्षण या महिलाओं। मेरा तीसरा सवाल आपसे गौरव जी, गौरव जी तीसरा सवाल दिल्ली में, नहीं नहीं, महिला आरक्षण को लेकर आपके, एक मिनट सर गौरव जी, तीसरा सवाल मेरा आपसे, आपकी पार्टी प्रभु राम की कृपा से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने महिला बनाए? देखिए तिलक जी, इतिहास के पन्नों में अगर झांकेंगे तो ओआरओपी को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं को तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था 1967। वन रैंक वन पेंशन वाला मसला नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप तो महिलाओं की सदस्यता की बात है, इसमें तो कानून की जरूरत नहीं थी, आप अपना पार्टी के संविधान के हिसाब से इसको संशोधित कर सकते हैं कभी भी। बिल्कुल, हमारी पार्टी अपने संगठन में वो लोकतांत्रिक व्यवस्था रखती है ना, हाँ। देखिए, हमारी पार्टी में महिला मोर्चा है, आप बताइए किसकी पार्टी में, और बाकायदे उतनी उनकी भागीदारी भी होती है, और हाँ, इसके अलावा अन्य मोर्चों में भी महिलाएं होती है, चाहे वो मेन पार्टी हो, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो या फिर किसान मोर्चा हो, सब में उनकी बराबर। मेरा चौथा सवाल आपसे गौरव, और जब जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो निश्चित रूप से जात और जीत और हार का गौरव जी, यानी आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर महिला चेहरा नहीं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे इस पूरे विषय को लेकर, अगर आप बुरा ना माने तो, आपके संघ की मैं बात करूं, 100 साल संघ का इतिहास है, 7 सर संचालक हुए, कितने महिला सर संचालक हो पाए? देखिए, इसका वस्तुतः उत्तर तो संघ का ही कार्यकर्ता देंगे। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रश्नों का निश्चित रूप से उत्तर देंगे सर, संघ से जहां तक सर, एक भी महिला सर संचालक बने, मैं उसका भी उत्तर बताता हूं। संघ से ही हमारे यहाँ संगठन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए संगठन महामंत्री आते हैं, हाँ। और ये वही की रचना है, हाँ। ये वही की रचना है कि महिलाओं के लिए बराबर की भागीदारी हो, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा जैसा एक संगठन भी है सर, ये जो तो बहुत सशक्त सोच है हुई ना, और बहुत पावरफुल है, और वो अपनी भागीदारी अदा। गौरव जी ऐसा नहीं है, ये तो पुरुषवादी सोच ही तो हुई। नहीं, ये कहां से पुरुषवादी सोच हुई, आप ये बताइए। आप मैंने चार पूछे, आपको बताया जा रहा है, अगर उनको हिस्सा दिया जा रहा है, हाँ, अगर उनको बाकायदे उनका सम्मान दिया जा रहा है, हाँ, उनकी हिस्सेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुनिश्चित की जा रही है पार्टी के अंदर, तो ये कहां से पुरुषवादी सोच हुई? हमारे यहाँ तो संस्कारों में ये चीज रचा बसा हुआ है, हमारे यहाँ कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं, वंशवादी पार्टी तो है नहीं। एक काम करते हैं सर, एक परिवार के आधार पर चलेगा। गौरव जी देखिए, आपकी पार्टी का फैसला आपको खुद करना है, और जिताऊ कैंडिडेट का आप लोग जिक्र करते हैं, तो बतौर बीजेपी कार्यकर्ता नेता होने के नाते आप यहां से मांग कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे पार्टी। देखिए,
नहीं देखिए अगर इस तरह का कानून आएगा तो निश्चित रूप से नहीं कानून की जरूरत ही नहीं है। आप तो राज्य रोक नहीं सकते, ना मनीष जी रोक सकते हैं, ना रमेश मोहन श्रीवास्तव रोक सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये तो हमारा संगठन तय करेगा ना, ये मैं नहीं मांग तो कर सकते हैं ना वाला व्यक्ति नहीं गौरव जी, मांग तो कर सकते मांग क्या, जहाँ जो जिताऊ कैंडिडेट होगा निश्चित रूप से वो लड़ेगा चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यस यही मैं कह रहा हूँ, और ऐसी व्यवस्था आप होती है, आप यही कह रहे हैं जिताऊ कैंडिडेट ही उतारेंगे, महिला हो या फिर ना हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता निश्चित रूप से। हाँ ठीक, 10-10 सेकंड, पहले रमेश जी आप, फिर मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। संघ के सर्व संचालक के महिला होने की तो बात छोड़ दीजिए, 100 साल के इतिहास में संघ में कितनी महिला स्वयं सेवक हुई, वो संगठन महिलाओं को जगह नहीं देता था, उसके लिए अलग उन्होंने संगठन बनाया था। हाँ अलग विंग बनाई उन्होंने, है ना, संगठन संगठन में नहीं आती थी वो, इसलिए ये सवाल पूछना हाँ तो वो उनको शर्मिंदा कर देगा। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारी पार्टी इस महिला आरक्षण बिल का अगर एजेंडा में आया तो हम इसके साथ हैं, विरोध तो कर भी नहीं सकते। खैर मनीष जी 10 सेकंड। मैं समझता हूँ महिला आरक्षण का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा है और हाँ। कांग्रेस को भरपूर समर्थन करना चाहिए और जनता सब देखती है, कांग्रेस को भी क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर ये नहीं क्रेडिट के लिए तो परेशान है। हाँ क्रेडिट हाँ। मिलेगा नहीं, अगर ये सपोर्ट करेंगे क्रेडिट मिलेगा, पास होना चाहिए। अच्छा चलिए राजजी, जैसे मैंने ओके राजजी जैसे मैंने गौरव जी को कहा, आप कह दीजिए कि हम मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीन राज्यों में 33% से ज्यादा की देंगे, बोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, मेरा राष्ट्रीय हाँ, मैं अपने राष्ट्रीय लेवल को आदेश नहीं दे सकता ना, नहीं नहीं आप आदेश दे सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चेयरपर्सन करता है, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कर दीजिए, कर दीजिए, लेकिन करेंगे नहीं, ये नारा लगा देंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई ये अलग बात है, ठीक ओके, गौरव भाई की तरह तो नहीं बोल रहा हूँ, डर रहा हूँ कहने से, नहीं डर क्या, आप मैं कह रहा हूँ आप यहाँ इन्हीं राज्यों में कर दीजिएगा, चमेली का तेल लगा के पूछो को ताव दीजिएगा, मैं आपके साथ निवेदन करके दे दीजिएगा, करके दे दीजिएगा, राज्य मान जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी, राज्य आपका, गौरव जी आपका और मनीष जी आपका। ये सियासत है, उठ किस करवट बैठेगा आप देखना दिलचस्प है, क्या वाकई ये सरप्राइज है, देखिए आगे आगे होता क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए, ये हमारी देशवासियों की मांग है, मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है।